Hello everyone, welcome back to P2E classes. Today I am going to teach you chapter number 4, clothes we wear. जो भी कपड़े हम पहनते हैं, wear माने पहनना, clothes माने कपड़े, we माने हम. So let's start. We wear clothes to protect our body from heat, cold and rain. We wear clothes, हम कपड़े पहनते हैं अपनी body को protect करने के लिए, किससे? हीट, कोल्ड एंड रेन से, बारिश से, ठंड से और गर्मी से अपने शरीर को बचाने के लिए हम क्या पहनते हैं? कपड़े पहनते हैं. क्लोथ्स जो है बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं हमारी बॉडी के. देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स, अलग अलग तरह के कपड़े होते हैं, अलग अलग तरह के क्लोथ्स होते हैं. वी वेयर क्लोथ्स अकॉर्डिंग टू द सीजन, हम कपड़े सीजन के अकॉर्डिंग पहनते हैं. इन समर वी वेयर कॉटन क्लोथ्स, दे कीप अस कूल. हम गर्मी में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी को ठंडा रखें. इन विंटर वी वेयर वूलन क्लोथ्स, सर्दियों में हम वूलन क्लोथ्स पहनते हैं. दे कीप अस वार्म, ताकि हमारी बॉडी को वूलन क्लोथ्स गर्म रखें. क्योंकि बहुत ठंड होती है तो हमारी बॉडी में हम कॉटन क्लोथ्स वेयर नहीं कर सकते, हमें वूलन क्लोथ्स की नीड होगी ताकि हमारी बॉडी गर्म रहे, ठंड से बची रहे. व्हेन इट रेन्स वी वियर अ रेनकोट, जब बारिश होती है तो हम रेनकोट पहनते हैं. एंड समटाइम्स बूट टू, और बूट्स भी पहनते हैं. दे कीप अस ड्राई, ताकि वो हमें बारिश से बचा सकें, ड्राई रखें, सूखा रखें. वी ऑल्सो यूज एन अम्ब्रेला टू प्रोटेक्ट अवर सेल्फ फ्रॉम रेन, और हम अम्ब्रेला भी यूज करते हैं ताकि हम बारिश से बच सकें. और बारिश के समय में तो आप लोग अम्ब्रेला ज़्यादा प्रेफर करते हो. और विंटर में हम कैप पहनते हैं, स्वेटर पहनते हैं, ग्लव्स पहनते हैं, गर्म सॉक्स पहनते हैं, गर्म पैंट्स पहनते हैं. और समर सीजन में क्या होता है, गर्मियों में क्या होता है, हम फ्रॉक पहनते हैं, शॉर्ट्स पहनते हैं, कॉटन की टी शर्ट्स पहनते हैं, हल्के फुल्के कपड़े पहनते हैं जिससे हमारी बॉडी ठंडी रहे. पीपल हु डू स्पेशल जॉब्स वियर स्पेशल काइंड ऑफ क्लोथ्स, जो लोग स्पेशल जॉब करते हैं वो स्पेशल तरह के कपड़े पहनते हैं. दीज क्लोथ्स आर कॉल्ड यूनिफॉर्म, और उन कपड़ों को हम यूनिफॉर्म कहते हैं. चिल्ड्रेन ऑल्सो वियर यूनिफॉर्म टू स्कूल, बच्चे भी स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं. जैसे बच्चे स्कूल में यूनिफॉर्म पहनते हैं, इसी तरह से डॉक्टर की भी अपनी ड्रेस होती है, नर्स की अपनी ड्रेस होती है, पुलिस मैन की अपनी ड्रेस होती है, फायरमैन की ड्रेस होती है. तो ये लोग स्पेशल जॉब कर रहे हैं तो हर एक की स्पेशल स्पेशल ड्रेस भी होती है. लुक एट शुभम, कैन यू गेस द नेम ऑफ द सीजन बाय द ड्रेस ही इज वेयरिंग, क्या आप इसकी ड्रेस को, जो इसने ड्रेस वेयर कर रखी है, जो इस शुभम ने ड्रेस पहन रखी है, क्या आप बता सकते हो कि इसने किस सीजन के अकॉर्डिंग ड्रेस को वेयर किया है? समर सीजन है या विंटर सीजन है? तो ये है आपका समर सीजन, क्योंकि उसने हाफ बाजू की ड्रेस पहनी है, हाफ स्लीव्स की टी शर्ट पहनी है. नेक्स्ट है, पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडिया वियर डिफरेंट काइंड ऑफ क्लोथ्स, जो लोग इंडिया के अलग अलग पार्ट्स में रहते हैं उनकी जो ड्रेसअप होता है वो भी अलग अलग होता है. इंडिया बहुत बड़ा है और इंडिया के 29 स्टेट्स हैं, और हर स्टेट की अपनी अपनी पहचान है, अपना अपना ड्रेसअप है. पीपल इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड ऑल्सो वियर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रेसेस, जो अलग अलग इंडिया के अलावा जो हमारे वर्ल्ड में अलग अलग पार्ट्स की जो कंट्रियाँ हैं वहाँ का भी जो ड्रेसअप है वो भी अलग अलग है. ठीक है, और जैसे मैंने यहाँ पे अभी बात करी थी स्टेट्स की, इंडिया में अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं, तो राजस्थानी ड्रेस अलग होती है, गुजराती ड्रेस अलग होती है, पंजाबी ड्रेस अलग होती है, बंगाली ड्रेस अलग होती है. तो ऐसे हमारे इंडिया में अलग अलग पार्ट्स में अलग अलग तरह के लोगों का पहनावा है, अलग अलग तरह के लोगों की ड्रेसेज हैं. नेक्स्ट है कॉटन, वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स, हमें कॉटन किससे मिलता है? कॉटन प्लांट से मिलता है. थ्रेड इज मेड फ्रॉम कॉटन यूजिंग अ स्पाइनिंग व्हील, जो थ्रेड बनाया जाता है वो स्पाइनिंग व्हील के थ्रू से बनाया जाता है, उनके द्वारा बनाया जाता है, थ्रेड माने धागा. दिस इज कॉल्ड स्पाइनिंग, उसको स्पाइनिंग कहते हैं, स्पिनिंग कहते हैं. द थ्रेड इज देन वूवन इनटू क्लोथ ऑन अ लूम, दिस इज कॉल्ड वीविंग, जो धागा होता है उसी से क्या होता है, कपड़ा बनता है. ठीक है, धागे को कपड़े में कन्वर्ट किया जाता है, उसको हम वीविंग कहते हैं. ठीक है, ये स्पाइनिंग है. ठीक है, अरे देखो धागा है ना, इससे क्या बन रहा है, कपड़ा बन रहा है, तो इसे कहेंगे हम वीविंग.
और एक कॉटन प्लांट जिससे हमें कॉटन मिलती है। नेक्स्ट है वूल, वी गेट वूल फ्रॉम शीप, हमें वूल किससे मिलती है, शीप से मिलती है। वूल इज एक्चुअली द हेयर दैट ग्रो ऑन द शीप बॉडी, वूल जो होती है ना एक तरह से जो शीप की बॉडी के बाल होते हैं, ठीक है, वो वूल जो होती है ना एक तरह का हेयर होती है, ठीक है, क्योंकि वो शीप की बॉडी के पार्ट्स होते हैं, मतलब शीप की बॉडी में जो बाल लगे होते हैं ना वो बालों को निकाला जाता है, ठीक है, तो वही आपकी क्या होती है, वूल होती है जो शीप की बॉडी में ग्रो होती है। दिस हेयर इज मेड इनटू अ वूलन थ्रेड, और ये जो हेयर होते हैं शीप की बॉडी के उससे क्या बनाया जाता है, उसको वूलन थ्रेड में कन्वर्ट किया जाता है, धागे में, ऊन के धागों में। वूल इज यूज टू निट स्वेटर्स, और वूल से क्या बनता है, स्वेटर, कैप, सॉक्स, मफलर्स एंड अदर वार्म क्लोथ, और भी बहुत सारे गर्म कपड़े बनते हैं। आपने देखा होगा जो बड़ी बड़ी आंटी होती हैं या बुजुर्ग महिलाएं होती हैं, वो क्या करती है, स्वेटर वगैरह बुनती रहती हैं, तो वो जो धागा होता है ना उनका, वो इसी शीप के जो बॉडी में ये जो हेयर होते हैं इसी से क्या होता है, इससे थ्रेड बनाया जाता है, और वो जो थ्रेड होता है ना वो ही होता है वूल का, धागा जो होता है उसी से स्वेटर वगैरह बुनती हैं। नेक्स्ट है आपका सिल्क, वी गेट सिल्क फ्रॉम सिल्क वॉर्म, हमें सिल्क मिलता है सिल्क वॉर्म से, सिल्क वॉर्म एक आपका कीड़ा होता है, ठीक है। अ सिल्क वॉर्म फीड ऑन द लीव्स ऑफ अ मलबरी प्लांट, मलबरी प्लांट पर रहता है वो, लीव्स जो पत्तियाँ होती हैं ना उन्हें वो खाता है सिल्क वॉर्म। इट मेक्स अ होम अराउंड इट सेल्फ विद लॉन्ग स्टिकी थ्रेड, और वहीं पर वो अपना घर भी बनाता है। दिस होम इज कॉल्ड कोकून, और उसके घर को हम क्या बोलते हैं, कोकून कहते हैं, ठीक है। किसके घर को कोकून कहते हैं, सिल्क वॉर्म के घर। द थ्रेड फ्रॉम कोकून इज यूज टू मेक अ सिल्क थ्रेड, उस कोकून के जो थ्रेड होता है ना उससे क्या बनता है, हमारा सिल्क थ्रेड बनता है, मतलब सिल्क के धागे बनते हैं, और जो सिल्क के धागे होते हैं उनसे सिल्क के कपड़े बनते हैं, जैसे सिल्क की साड़ियाँ होती हैं, है ना, सिल्क के क्लोथ्स बनते हैं किससे, सिल्क के धागे से, और धागा कहाँ से मिलता है, कोकून से, और वो कोकून क्या है, सिल्क वॉर्म का घर, ठीक है। नेक्स्ट है आपका योर एक्सरसाइज, लेट्स डू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस, व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स, हम कपड़े क्यों पहनते हैं, वी वियर क्लोथ्स टू प्रोटेक्ट अवर बॉडी फ्रॉम हीट कोल्ड एंड रेन, हम कपड़े पहनते हैं ताकि हमारी बॉडी हीट कोल्ड और रेन से बची रहे। सेकेंड क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर इन, किस तरह के कपड़े हम पहनते हैं समर और विंटर में, समर में टी शर्ट, फ्रॉक, शॉर्ट्स, विंटर में कैप, स्वेटर, मफलर। शुभम वॉन्ट्स टू गो एंड मीट हिज फ्रेंड, शुभम मिलना चाहता था और गया अपने दोस्त से मिलने। इट्स रेनिंग आउटसाइड, बाहर बहुत बारिश हो रही थी। व्हाट शुड ही वियर, उसने क्या वियर किया, क्या पहना, उसने रेनकोट पहना। जब बारिश बहुत तेज होती है तो हम क्या करते हैं, तो अम्ब्रेला यूज करते हैं या तो हम रेनकोट पहनते हैं, ठीक है। तो उसने भी क्या करा, रेनकोट को वियर किया। योर फन टाइम एक्टिविटी, फर्स्ट क्वेश्चन, द क्लोथ्स आर ऑल जंप्ड जंबल्ड अप, ये सारे क्लोथ्स हैं और सारे लेकिन जंबल वर्ड्स में आपको रीअरेंज करके लिखना है, मैंने पहले ही रीअरेंज कर दिया आपके लिए। फर्स्ट वन इज स्वेटर, नेक्स्ट वन रेनकोट, नेक्स्ट शॉर्ट्स, नेक्स्ट यूनिफॉर्म। लेकिन आप फिर भी एक बार देख लेना कि कहीं मैंने मिस्टेक तो नहीं की। नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग, आपके नाम लिखे, डॉक्टर, नर्स, पुलिसमैन, आपको उनको क्या करना है, इनके ड्रेसेस से मैच करना है, ओके। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे, प्लीज डू लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन माय यूट्यूब चैनल, थैंक यू।